Okay, let's start. Good morning. Give new heading. This is totally a new concept which has not yet been asked in exam. This you can say as a new topic which may come in future exam. The heading is Primal and Dual of ALPP. Primal and dual of ALPP. This is a new concept, okay? RTP में अभी आया हुआ है, एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है. This is only we are calling as so called amendment in costing subject. Amendment बोलकर ये सब नए नए concept जो आ चुके हैं, हम तो काफी term से पढ़ा रहे हैं, but कुछ सर लोग अब जागे हैं. ये मेरे मैट में 3 terms already है. कुछ सर लोग अभी जागे तो वो लोग अमेंडमेंट अमेंडमेंट बोल के इसको करा रहे हैं. ठीक है, इसको ध्यान से सीखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. प्राइमल एंड डुअल ऑफ एलपीपी में आप जब एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हो तो जो फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम तैयार होता है उसी को बोलते हैं प्राइमल. प्राइमल यानी प्राइमरी, प्राइमरी यानी ओरिजिनल प्रॉब्लम को जब फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट किया तो जो प्रॉब्लम तैयार हुआ उसी को बोलते हैं प्राइमल एलपीपी, प्राइमल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो प्राइमल मुझे सिखाना नहीं है, प्राइमल इज ऑलरेडी यू नो. सो व्हाट इज प्राइमल? ओरिजिनल प्रॉब्लम को जब आप कन्वर्ट कर देते हैं तो वो प्राइमल में चला जाता है. ओरिजिनल प्रॉब्लम टू फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम इज इक्वल टू प्राइमल. ओके, जैसे एक ओरिजिनल प्रॉब्लम ले लेते हैं कि ऐसा केस आपका ऑलरेडी किया हुआ है, वापस से ले रहे हैं. प्रोडक्ट्स मान लीजिए ए और बी है, उसको डिपार्टमेंट वन में बनाएंगे 5 आवर्स लगेगा, डिपार्टमेंट टू में बनाएंगे 3 आवर्स लगेगा. प्रोडक्ट बी को डिपार्टमेंट वन में बनाने का 2 आवर्स, डिपार्टमेंट टू में बनाने का 5 आवर्स. आवर्स अवेलेबल इन डिपार्टमेंट वन इज 500 आवर्स एंड डिपार्टमेंट टू इज 300 आवर्स. प्रोडक्ट ए से प्रॉफिट पर यूनिट आपको मिलता है 20 रुपीज, प्रोडक्ट बी से 30 रुपीज. व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली एन ओरिजिनल प्रॉब्लम. व्हाट इज दिस? दिस इज ओरिजिनल प्रॉब्लम. नाउ फॉर्मुलेट दिस, फॉर्मुलेट करिए इसको. फॉर्मुलेटेड एलपीपी विच इज ओनली कॉल्ड एज प्राइमल. फॉर्मुलेटेड एलपीपी का ही दूसरा नाम है प्राइमल. बना दीजिए कैसे बनाएंगे, किसको एक्स मानेंगे किसको वाई मानेंगे. ए को, ए के यूनिट्स को आप एक्स मानेंगे और बी के यूनिट्स को आप वाई मानेंगे. दिस इज योर डिसीजन वेरिएबल. सो यू विल राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 20x + 30y सब्जेक्ट टू फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 500, सेकेंड कॉन्स्टेंट इज 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 300 एंड एक्स कमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो आपने नया कुछ सीखा ही नहीं. जब आप यहां तक काम कर रहे हैं तो आप जो करते आए हैं वही कर रहे हैं. जस्ट एक एड ऑन हुआ कि उसी का नाम है प्राइमल, उसी का एक नया नोमेनक्लेचर आपके सामने रख दिया गया है कि इसी को हम बोलेंगे प्राइमल. प्राइमल इज टू इंडिकेट प्राइमरी प्रॉब्लम.
अब इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू होगा, डुअल। डुअल मतलब नाम से मत जाना, डुअल मतलब डबल या ऐसा कुछ नहीं। डुअल इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डुअल बनता है, ध्यान रखना, ओरिजिनल प्रॉब्लम पे। डुअल किस पे बनता है? ओरिजिनल प्रॉब्लम पे ही। बट इसको बोलते हैं डुअल ऑफ द प्राइमल। बनता किस पे है? ओरिजिनल प्रॉब्लम पे, यानी इसके ऊपर। लेकिन बोलते हैं डुअल इज ऑलवेज ऑफ प्राइमल। एक प्राइमल होगा तो उसी का डुअल होगा। डुअल में कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे आप देखो, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ सिचुएशन क्या है कि वो दो प्रोडक्ट बना सकता है, ए और बी, करेक्ट? और उसके पास कीमती रिसोर्स है। कीमती कीमती माने लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड वर्ड हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल का पॉइंट लगाया हुआ है, लेस देन इक्वल टू का साइन से इसको इंडिकेट किया जा रहा है। जिसको भी लेस देन इक्वल टू का साइन से इंडिकेट किया जाए, इसका मतलब है कि उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। और जिस भी चीज का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, अवेलेबिलिटी कम होता है, हम बोलते हैं वो कीमती हो गया है, इम्पोर्टेंस बढ़ गया है उसका, वो लिमिटेड है। लिमिटेड चीजों का ही तो इम्पोर्टेंस होता है। जैसे डायमंड लिमिटेड है इसलिए तो उसका दुनिया भर में इम्पोर्टेंस है, कोयला अनलिमिटेड है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, सो जो भी चीज लिमिटेड होती है वही प्रीशियस होती है, वही कीमती होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम जब डुअल सोचने जाते हैं तो हमारी सोच क्या हो जाती है कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास कीमती रिसोर्स है, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो हमारा तो रिसोर्स भी कीमती है, तो हम क्यों ना रिसोर्स को ही बेच दें। कौन मगजमारी करे खुद से प्रोडक्ट बनाने का? आप बोल रहे हैं आपके रिसोर्स कीमती है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये कीमती सिर्फ आपके लिए है। आप जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे होंगे जिनके लिए रिसोर्स कीमती हो गया होगा। तो अगर आपके पोजीशन में कोई कीमती रिसोर्स है, आप उससे खुद प्रोडक्ट ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, इतना दिमाग लगाएंगे, इतना समय खोटी करेंगे, फिर जाके कब कमाई होगा? इससे अच्छा कीमती रिसोर्स को भाड़े पे लगा दो, किसी और को बनाने दो, आप खाली भाड़े का मजा लो। तो सवाल उठता है, भाड़े पे अगर देंगे तो किस रेट पे देना चाहिए? भाड़े का रेट क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द हायरिंग चार्जेस विच यू शुड चार्ज फॉर योर रिसोर्स। इसी का दूसरा नाम है व्हाट शुड बी द शैडो प्राइस ऑफ योर रिसोर्स। शैडो प्राइस कभी आपके साथ किसी और चैप्टर में मेरा काम पड़ा हुआ है, मैं वापस रिकलेक्ट करा दे रहा हूँ। इसका एक टर्म है शैडो प्राइस ऑफ द रिसोर्स। इस रिसोर्स को जिस रेट पे आप भाड़ा लगाएंगे उस भाड़े को हम शेडो प्राइस भी बोलते हैं, कि इससे हमें कितना रिकवर करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको सोच कैसी है? एक तो पहले हम सोच रहे थे ओरिजिनल प्रॉब्लम में कि हमारे पास डिपार्टमेंट वन के 500 आवर्स ये 300 आवर्स ये हमें प्रोडक्ट ए और बी बनाना है, जितना भी ए और बी बनाने होंगे वो इसमें से ही बनाने होंगे, तो हमारा सारा फोकस ए और बी पे ही था। हम सोच रहे थे ए बी कैसे बनाए इतना 500 300 में, ये बहुत प्रीशियस है, इसका एक भी घंटा वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच के चल रहे थे। अब वही डुअल में आके क्या सोच रहे हैं? अरे बाप रे, हमारे पास कीमती चीज है तो खुद क्यों बनाए, इसी को भाड़ा पे लगा दे, कोई और बना लेगा आके, अपने आराम से बैठे अपने भाड़ा का इनकम खाए। जब कीमती है तो मेरे लिए कीमती थोड़ी है, तो दुनिया वालों के लिए कीमती है, तो भाड़ा पे लगा दे तो भाड़ा पे क्या कमाई आ सकता है? समझ रहे हैं? एक समझ लो ज्वेलर है, डायमंड उसके पास रॉ मटेरियल है, गोल्ड उसके पास रॉ मटेरियल है, दोनों का स्कैर्सिटी है, दोनों कीमती है, ये सब कोई जानते हैं। तो वो सोच रहा है एक नेकलेस बनाए कि ब्रेसलेट बनाए, नेकलेस बनाए कि ब्रेसलेट बनाए, इससे कमाऊं कि उससे कमाऊं, डायमंड यूज करूं कि गोल्ड यूज करूं, दोनों का मिक्स कैसे लूं, परेशान हो रहा था। फिर किसी ने दिमाग लगाया, अरे भाई क्यों माथा पच्ची करता है, डायमंड है गोल्ड है उसी को बेचते हैं, सिंपल सा काम है, उसी से तेरा इनकम हो जाएगा। तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा अब कि अच्छा जब इसको बेच के ही काम हो जाएगा तो क्या भाव पे बेचूं, क्योंकि इसका बेचने का तो धंधा अपना नहीं है ना। तो भाव तो एक बार कुछ कैलकुलेशन से फिक्स करना होगा,
कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बेचने गया डायमंड और गोल्ड, तो जो कमाई नेकलेस और ब्रेसलेट से आ जाती वो कमाई कम हो जाए। ध्यान रखना, मैं जब रिसोर्स को भाड़े पे लगा रहा हूँ, यानी ये 500 आवर्स और 300 आवर्स को जब भाड़े पे लगा रहा हूँ, तो आई विल नीड अल्टीमेटली सम इनकम, राइट? तो आई मस्ट इंश्योर कि भाड़े से जो इनकम आया वो प्रोडक्ट ए और बी का इनकम को कवर अप कर ले, वरना तो गिल्ट से मर जाऊंगा कि यार ए बी से इतना कमा लेता, भाड़ा लगाने गया तो नुकसान हो गया। भाड़ा लगा के एटलीस्ट जो हमारा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ए और बी का, वो रिकवर तो होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो दुख होगा। तो जब आप ऐसे सिनेरियो को दिमाग में रखते हुए एक एलपीपी बनाते हो, उसी को बोलते हैं डुअल। डुअल बनाने का तरीका क्या है, आप देखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं डिपार्टमेंट वन का भाड़े का रेट जो हम चार्ज करेंगे अपने सामने वाले ग्राहक से, जो भाड़ा पे लेने आएगा हमसे रिसोर्स, वो भाड़े का रेट है Y1। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज Y1? दिस इज रुपीज पर आवर, भाड़े का रेट। पर आवर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आवर्स है। एंड इसका रेट मान लीजिए Y2, ये हम चार्ज करेंगे। ओके, तो भाई हमारा टोटल भाड़ा का कलेक्शन कितना हो सकता है? 500 Y1 प्लस 300 Y2, दैट वुड बी टोटल भाड़े का कलेक्शन। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हम ऑब्वियसली चाहेंगे भाड़ा इनकम मैक्सिमाइज हो के मिनिमाइज हो, मैक्सिमाइज हो। लेकिन सिंस सिंस प्राइस जो है वो हम अभी अपना खुद का प्रोडक्ट से तो कुछ फिक्स नहीं कर रहे, खुद का खर्च करके कोई फिक्स नहीं कर रहे, ये तो देख रहे हैं कि बस सामने वाला क्या ले लेगा, सामने वाला भाड़ा पे लेगा तो हमें क्या दे देगा। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे रखते हैं, यानी वो सामने वाला जब भाड़े पे लेने आएगा चीजों को, तो कंजर्वेटिवली हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो चाहेगा मैं कम से कम भाड़ा दूं, क्योंकि ये मेरा मार्केट नहीं है ना, इट्स नॉट माई मार्केट। माई मार्केट इज यूजली ऑफ ए एंड बी, मैं तो जस्ट एक ऑल्टरनेटिव सोच रहा हूँ कि भाड़े पे लगा दूं। तो भाड़ा का इनकम खाना इज नॉट माई रेगुलर जॉब। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कंजर्वेटिव प्रिंसिपल से कि सामने वाला आके मेरे को कम से कम भाड़ा ही देगा, तो मैं मैक्सिमाइज नहीं सोच के इस बार सोच रहा हूँ मिनिमाइज, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम मेरा इतना आना चाहिए, ऐसा कुछ मैं सोच के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जब ध्यान रखना, प्राइमल हमारा मैक्सिमाइज होता है ना, तो उसका डुअल हमेशा मिनिमाइज ही होता है। प्राइमल में अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो डुअल में हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। बेसिकली हम ये बोलते हैं वहां पे कि हम भाड़े पे लगाने जा रहे हैं ऐसे मार्केट में जहां पे हमारा कोई पहले से एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम सामने वाला ग्राहक जो चाहता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू को अपने प्रॉब्लम में ले रहे हैं। मतलब सामने वाला ग्राहक तो यही चाहेगा ना कि मैं कम से कम भाड़ा दूं इनको इस चीज का, तो मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू को अपने ऊपर लागू करके देख रहा हूँ कि अगला कम से कम भाड़ा भी दिया तो कितना देगा, उससे हम अपना Y1 Y2 निकालेंगे। Y1 और Y2 जो मैं निकालूंगा वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालूंगा कि अगला कम से कम देगा तो भी कितना देगा, चलो उसी को लेके चलते हैं। तो इस रीजन से हम लिखेंगे मिनिमाइज, यहाँ जेड वापस लिख सकते हैं, या फिर मान लो एक नया वेरिएबल बना दिया जी, जिससे कि आप डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये दूसरा प्रॉब्लम चल रहा है। जी इज इक्वल टू, आपने अभी अभी बोला, 500 Y1 प्लस 300 Y2, दिस इज द टोटल हायरिंग इनकम विच आई कैन गेट, बट सिंस आई एम न्यू इन दिस मार्केट आई एम टेकिंग अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट एंड आई एम कंसिडरिंग दैट सामने वाला विल बी गिविंग मी लीस्ट पॉसिबल रेंट, तो लीस्ट पॉसिबल रेंट से मेरे पास जो टोटल रेंट आएगा से वो मिनिमम ही आएगा। हम क्यों सोचे कि हमको बहुत कमाना है? ओके, एंड इसमें खाली एक ही सब्जेक्ट टू हम लोग डाल सकते हैं कि भाई जब भाड़ा पे देने जा रहे हैं तो मेरा अपॉर्चुनिटी क्या है प्रोडक्ट ए और बी बनाने का। बस मुझे यही ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट ए और बी से जो मैं कमा सकता था एटलीस्ट उतना तो भाड़े से आ जाए, वरना तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि भाई ए बी छोड़ के भाड़े पे लगा दिया, नुकसान करके बैठा है अपना। तो आई विल हैव टू इंश्योर कि मेरा ए बी से जितना आता वो भाड़े से उड़ जाए। उसको कैसे इंश्योर कराऊं? आप देखो बहुत इजी है, ए बनाते थे जब तो 20 रुपया कमाई आता था, तब डिपार्टमेंट वन का 5 घंटा यूज होता था, डिपार्टमेंट टू का 3 घंटा यूज होता था,
यानी 5 आवर्स ऑफ ए डिपार्टमेंट वन, 3 आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट टू, व्हेन दे आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए, वी यूज टू गेट प्रॉफिट ऑफ नेट 20 रुपीज। तो कहना है इसे 5 घंटा Y1 के हिसाब से भाड़ा पे लगा के दे और 3 घंटा Y2 के हिसाब से भाड़ा पे लगा दे, सब मिला के कम से कम 20 रुपया तो मिले। मैं 5 घंटा और 3 घंटा से 20 रुपया कमा रहा था ना, ये 5 घंटा ये 3 घंटा से प्रोडक्ट ए बना रहा था और उससे 20 रुपया कमा रहा था। तो अभी भी मुझे 5 घंटा Y1 के हिसाब से भाड़े लगाने, 3 घंटा Y2 के हिसाब से भाड़े लगाने हैं और इस कॉम्बिनेशन से मुझे 20 रुपया तो कोई दे, 20 से ज्यादा दे तो हम खुश है भाड़ा लगा के। मिनिमम 20 दे दे तो हमें गिल्ट फील नहीं होगा कि यार प्रोडक्ट को छोड़ के भाड़ा लगाने चले गए। तो एक कॉन्स्टेंट ऐसा बन रहा है, सब्जेक्ट टू 5Y1 प्लस 3Y2, दिस इज द टोटल भाड़ा विच आई शुड गेट एंड इट शुड बी एटलीस्ट ₹20 जो प्रोडक्ट ए से कमाते थे। इसी तरह से प्रोडक्ट बी का क्या हो जाएगा, 2Y1 प्लस 5Y2 शुड बी एटलीस्ट ₹30 तो मिले यार, 2Y1 प्लस 5Y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, एटलीस्ट ₹30 तो मिले। और ऑब्वियसली भाड़े का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो Y1 एंड Y2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज डूअल, अ डिफरेंट आउटलुक ऑफ योर प्रॉब्लम। बोलते हैं कि हर बिजनेसमैन को अपने प्रॉब्लम को प्राइमल वे में तो देखना ही चाहिए और एक उसका ऑल्टरनेटिव भी खड़ा करना चाहिए, दैट इज डुअल, दैट इज ए प्लान बी, कि क्यों मगजमारी करते हो, खुद इतना प्रोडक्शन करके बेचोगे, अगर आपके यहाँ कोई रिसोर्स है वो लिमिटेड है तो क्यों ना रिसोर्स कोई भाड़े पे लगा दो और देखो वहां से क्या कमा सकते हो। अगर उसका मार्केट है तो वाई नॉट ट्राई दैट ऑप्शन, कमाने के एक ही रास्ते होते हैं ऐसा क्यों सोचते हैं, कमाने के बहुत रास्ते होते हैं, तो हर रास्ते को एक्सप्लोर करके चलिए। तो जिसने ऐसा व्यू पॉइंट दिया ना वो तो पूरा दुनिया में हिट हो गया, लोग पहले ऐसा कभी सोचते ही नहीं थे, लोग सीधा बस अपने ही रास्ते पे निकल पड़ते थे, हम तो ये करते हैं, हम तो यही बेचेंगे, बस हम तो इतना ही बनाएंगे, वो सोचते ही नहीं थे कि हम इस रिसोर्स को भाड़ा पे भी तो लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे मैं SGC में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि जगह हमारे पास इतना ही है, इसमें इतने ही स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं। मान लीजिए इस जो प्रेमाइसिस में हम पढ़ा रहे हैं इसमें हम सारे बैचेस को इनकॉर्पोरेट कर लें तो हम एक टर्म में 1200 स्टूडेंट को बिठा सकते हैं, बस 1200 स्टूडेंट्स हम बिठा सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ लेस देन इक्वल टू 1200, लेस देन इक्वल टू 1200, लेस देन इक्वल टू 1200। वही एक जन आता है वो बोलता है अरे ये क्या, मैं टेंशन ले रखा है 1200 स्टूडेंट्स बैठा सकते हैं तो फाइनल में कितना ले, इंटर में कितना ले, इतना कॉम्बिनेशन लगाते हैं, जब इतना स्टूडेंट बैठाने का जगह है तो दूसरों को भाड़ा पे दे दो, जिनके पास स्टूडेंट है वो, जिनके पास जगह का शॉर्टेज है, तुम अकेला शॉर्टेज फेस कर रहा है ऐसा तो नहीं है, कहीं और भी तो शॉर्टेज हो रहा होगा, उनको भाड़ा पे दे दो, वहां से कमाओ, क्या इतना मगजमारी करना है। बोला हाँ ये तो कभी सोचा ही नहीं, कितना रुपया मिल जाएगा भाड़े का, बोला उसके लिए LPP बना लो। यही तो कॉन्सेप्ट है, डुअल इज अ डिफरेंट आउटलुक टू सेम प्रॉब्लम। आप जिस प्रॉब्लम को अपने लिए प्रोडक्शन ओरिएंटेड सोचते थे अभी आप अपने रिसोर्स को भाड़े पे लगा के सोच लीजिए। ओके, डुअल में आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि यहां पर डुअल में जो भी प्राइमल में जो भी वेरिएबल थे, प्राइमल में जो भी वेरिएबल थे या रादर जितने वेरिएबल थे, नंबर ऑफ वेरिएबल, ओके, उतने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बन जाते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल बिकम्स नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। दो वेरिएबल थे तो अभी आपको उतना पता नहीं पड़ा, यहाँ पे दो वेरिएबल थे और यहाँ पर इसीलिए दो कॉन्स्टेंट बने, दो वेरिएबल थे तो दो कांस्टेंट बने, आप देखिए 20 30, दो वेरिएबल एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, एक्स और वाई क्या था, प्रोडक्ट ए का यूनिट और प्रोडक्ट बी का यूनिट, तो आपका
उतना ही कांस्टेंट बना, प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट मिनिमम उड़ जाए, प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट मिनिमम उड़ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट सी होता तो क्या करते, उसका भी आवर्स होता 1 और 1 मान लो, उससे 10 रुपीज प्रॉफिट होता तो उसका जेड आता, तो प्राइमल इससे तो इजीली बन जाता। तो डुअल में एक और कंडीशन आ जाता ना कि 1y1 + 1y2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो जितने वेरिएबल होते हैं प्राइमल में उतने कॉन्स्टेंट बन जाते हैं डुअल में, करेक्ट, कि कम से कम उतना अपॉर्चुनिटी रिकवर करना है ऐसा सोच के। उसी तरह से वाइसी वर्सा भी होगा, जितने कॉन्स्टेंट होते हैं प्राइमल में उतने वेरिएबल बन जाएंगे डुअल में, राइट। कैसे समझ में आ रहा है ये, इसको रिलेट करिए। नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट मतलब रिसोर्स, कॉन्स्टेंट माने रिसोर्स, तो हर रिसोर्स को आप भाड़े पे लगाओगे तो भाड़े का रेट आपको जानना है, हर एक रिसोर्स का भाड़े का रेट आपको जानना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जितने होंगे, सबको भाड़े पे लगाओगे तो सबका भाड़े का रेट जानना है, तो सबके लिए एक वेरिएबल आएगा। समझ में आ रहा है कैसे रिलेशनशिप बन रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल जितने प्राइमल में हैं उतने डुअल में कॉन्स्टेंट्स बन जाते हैं। क्या रीजन से, क्योंकि उतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने को रिकवर करना है। एंड नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जितने हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल बन जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उतने को भाड़े पे लगाना है, उतने को भाड़े पे लगाना है, रेंट आउट उतने को करना है। ओके, इसके अलावा प्राइमल और डुअल में के रिलेशनशिप में या कन्वर्जन में और भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो हम आपको धीरे 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 बताएंगे और प्रैक्टिस कराते हुए आपको आगे ले जाएंगे। ये बेसिक आउटलुक आपको समझाया गया है जिससे कि अब आप डुअल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ऑब्वियसली मैं जब आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूँ ये थोड़ा मैकेनिकल हो जाएगा, मैकेनिकल एज इन कि ज्यादा दिमाग लगाने नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बस ऐसे ऐसे चेंज कर दो। कॉन्सेप्चुअली एक छोटा प्रॉब्लम को पकड़ के आपको बताया गया है, बट आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम का साइज बढ़ेगा हम लोग इसको मैकेनिकली करेंगे, मतलब दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे, बस प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये है तो वो कर दो, वो है तो ये कर दो, जिससे आपका काम फटाफट हो जाए। ओके चलिए आइए लिखते हैं। लिखिए प्राइमल, प्राइमल फॉर्मुलेटेड एलपीपी ऑफ एन ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज प्राइमल। फॉर्मुलेटेड एलपीपी ऑफ एन ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज प्राइमल। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट्स एक्स और वाई एंड डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी 2, 3, 5, 4 प्रॉफिट पर यूनिट 20, 30 आवर्स अवेलेबल 100, 200 फॉर्मुलेटेड एलपीपी विच इज ओनली इक्वल टू प्राइमल। इसमें डिसीजन वेरिएबल्स होंगे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, जो है एक्स यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई हो जाएंगे वाई यूनिट्स। फटाफट फॉर्मुलेट कर दीजिए इसको।
मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 20x प्लस 30y। सब्जेक्ट टू डिपार्टमेंट ए का क्या कांस्टेंट हो रहा है? 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 100, राइट? एंड डिपार्टमेंट बी का कांस्टेंट क्या हो रहा है? 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 200। देन एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ डुअल का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम सोचा गया था बाई मिस्टर AW टक्कर। टक्कर पहलवान का नाम सुना है क्या? टक्कर पहलवान का नाम नहीं सुना है? किस दुनिया में रहते हैं आप लोग? वो पिक्चर नहीं देखा गोविंदा का? कौन सा पिक्चर था वो? अखियों से गोली मारे भोपड़िया दादा बनता है वो गोविंदा। सबको ही देखा है वो पिक्चर पर। भोपड़िया दादा रवीना टंडन को पढ़ाने के लिए गुंडा बनता है, उबड़ी 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 करता है। उसमें आता है एक टक्कर पहलवान। वो पिक्चर जाके देखिए, अखियों से गोली मारे। और टक्कर पहलवान का एक सीन यूट्यूब में ही मिल जाएगा, गजब का सीन है। ऐसे याद रखने का निमोनिक्स है AW टक्कर। इंग्लिश में तो टक्कर नहीं बोलेंगे इन लोग, तो ठगा बोलेंगे, ठगा। बट आपने टक्कर बोल दिया, AWTUCKER। ब्रैकेट में लिखिए ऑफ ए प्राइमल। डुअल जब भी निकालते हैं एक प्राइमल को देख के निकालते हैं। एज पर अबव प्राइमल द डुअल विल रीड एज पर अबव प्राइमल द डुअल विल रीड एज लेट द लिमिटेड रिसोर्सेस बी हायर्ड आउट एट अ प्राइस ऑफ रुपीज Y1 पर आवर फॉर डिपार्टमेंट ए एंड रुपीज Y2 पर आवर फॉर डिपार्टमेंट बी। एक और लिखिए इसी में, हायरिंग चार्जेस ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेडो प्राइस एज दे आर लिमिटेड रिसोर्स। हायरिंग चार्जेस ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेडो प्राइस एज दे आर लिमिटेड रिसोर्स। शेडो प्राइस जो शब्द है ना, इसका इस्तेमाल लिमिटेड रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही होता है। शेडो प्राइस इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर जब आप शेडो प्राइस वर्ड इस्तेमाल करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट इम्प्लाइड होता है कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकवर करोगे। जैसे डुअल में मेन फंडा था ना ऊपर में, जो बताया आपको कि एटलीस्ट हायरिंग करते समय प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट उठ जाना चाहिए।
ये बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाता है जब शेडो प्राइस वर्ड यूज करें। शेडो प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकवर कर लेता है। एक तो प्राइस होता है जैसे मार्केट प्राइस, एक प्राइस होता है सेलिंग प्राइस, ये सब टर्म आपको पता हो। एक प्राइस होता है ट्रांसफर प्राइस, मार्केट प्राइस जो बाजार में चल रहा है, सेलिंग प्राइस जिस पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांसफर प्राइस जिस पर इंटरनली ट्रांसफर हो रहा है। वैसे एक और टर्म है शेडो प्राइस। शेडो प्राइस के लिए आप अपना कॉस्ट नहीं देख रहे हैं, आप अपना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट नहीं देख रहे, बाजार में क्या चल रहा है वो नहीं देख रहे, आप अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। मेरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बना जो प्राइस उसको बोलते हैं शेडो प्राइस। मैं अभी कहीं और जा रहा था, वहां से मेरे क्लाइंट मेरे को 1,000 रुपया दे रहे थे, आप बुला लिए सर मेरे यहाँ आ जाइए, वो काम कर दीजिए आके, तो मैं आपको एक प्राइस चार्ज करूंगा। तो वो प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से भी निकाल सकता हूँ, बाजार में जो चल रहा है उससे भी निकाल सकता हूँ, एक सेलिंग प्राइस आपको बता सकता हूँ। और या फिर मैं उतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं जो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैं देखो भैया 1,000 वहां से मिल रहा था आपको, दे दो, अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके ऊपर चार्ज कर देता हूँ, तो मैं आपको शेडो प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। शेडो प्राइस जो टर्म है ये लिमिटेड रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, एंड इट इज बाई डिफॉल्ट सपोज टू कवर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा दे देना अगर कोई, मैं मेरे को तो मैं तो खुशी खुशी जाऊं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितना मिलता है तो भी हम शेडो प्राइस के रेट पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो शेडो प्राइस इज बेसिकली अ टर्म टू रिकवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट रिसोर्स। लिख के रखिए सब, एक्टिव रहिए। शेडो प्राइस इज इक्वल टू प्राइस दैट रिकवर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शेडो प्राइस इज इक्वल टू प्राइस दैट रिकवर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो अकॉर्डिंगली यहां पर खाली एक ही ट्विस्ट आता है कि सिंस आप मैक्सिमाइज पहले करते थे तो अभी आप डुअल में आके मिनिमाइज करेंगे, जबकि आप यही चाहेंगे कि हम भाड़े पे लगा के भी मैक्सिमाइज कर पाए रेवेन्यू को, बट डुअल में हम लिखते हैं मिनिमाइज करेंगे, कंजर्वेटिवली खेलेंगे, क्योंकि वो हमारा मार्केट नहीं है, हम रिसोर्स बेचने का बाजार में कभी गए नहीं है। तो सामने वाले का, यानी सामने वाला एज एन बायर का व्यू पॉइंट को हम अपना ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि कम से कम में ही बेच देंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव वुड चेंज टू मिनिमाइज, डुअल विल बी रिटन एज मिनिमाइज से जेड की जगह जी डाल दिया, जी इज इक्वल टू व्हाट मैक्सिमम हाई रेवेन्यू कैन गेट। बताइए मेरे को, आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम तो दिया मैंने, हायर रेवेन्यू मैक्सिमम मेरे को क्या मिलेगा, 100 y1 प्लस 200 y2, क्योंकि हमारे पास इतना ही है भाड़ा लगाने के लिए, उससे ज्यादा तो रिसोर्स ही नहीं है। एंड ये y1 और y2 है क्या, ये तो शेडो प्राइस है, तो शेडो प्राइस है मतलब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकवर करेगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकवर करवा पाए वैसा सब्जेक्ट टू डाल दीजिए। कैसा डालेंगे, y1 के लिए 2 y1 प्लस 3 y2, परफेक्ट। एटलीस्ट इससे मेरा कितना आ जाए, जो प्रोडक्ट एक्स का प्रॉफिट था उतना तो उड़ जाए। हम 2 घंटा डिपार्टमेंट ए का, 3 घंटा डिपार्टमेंट बी का यूज करके प्रोडक्ट एक्स बना पाते हैं और उसको 20 रुपया में बेच पाते हैं, तो y1 और y2 को जब हम भाड़ा लगाने जा रहे हैं, या डिपार्टमेंट ए और बी को जब हम भाड़ा लगाने जा रहे हैं, तो 2 घंटा ऑफ डिपार्टमेंट ए, 3 घंटा ऑफ डिपार्टमेंट बी से जो मेरा प्रोडक्ट एक्स का मार्जिन था वो तो रिकवर होना चाहिए ना, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। उसी तरह से दूसरा वाला 5 y1 प्लस 4 y2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30, एंड ऑब्वियसली दीज आर हायर रेवेन्यू, सो रेवेन्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, y1, y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? हियर
हायर चार्जेस ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी आर एक्सपेक्टेड टू रिकवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज पोटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। इसीलिए उस हायर चार्जेस को शेडो प्राइस बुलाया जा रहा है। ओके, दिस इज वाई हायर चार्जेस आर कॉल्ड एज शेडो प्राइस। दिस इज वाई हायर चार्जेस आर कॉल्ड एज शेडो प्राइस। दिस इज वाई हायर चार्जेस आर कॉल्ड एज शेडो प्राइस। इज इट फाइन? अब ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप सम नोट्स विच विल हेल्प अस टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग आवर ब्रेन। उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट एक बार समझ में आ गया तो आपका सब काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नोट्स बोल के लिखिए आप। दिस इज गोइंग टू बी योर सेवियर फॉर बिग बिग प्रॉब्लम्स, क्योंकि सारे प्रॉब्लम को अगर आप ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से क्रैक करने जाओगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको फास्ट होना है एग्जाम में, फटाफट सम खत्म करना है, तो यू नीड टू बी लिटल मैकेनिकल। कॉन्सेप्ट एक में मिल गया, अब बाकी जगह आप फटाफट सम करने का कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करें। इंपॉर्टेंट नोट्स नंबर वन, ड्यूअल इज ऑलवेज ऑफ अ प्राइमल प्रॉब्लम। ड्यूअल किसका बनता है? प्राइमल को देख के बनता है। अच्छा, एक और चीज, ड्यूअल ऑफ अ ड्यूअल प्रॉब्लम विल बी, हाँ, ड्यूअल का ड्यूअल मतलब मैं इसका ड्यूअल बनाऊं, इसका अगर ड्यूअल बनाऊंगा ना तो वापस ऊपर वाला प्राइमल आ जाएगा। वो तो आप वेरिएबल का नोमेनक्लेचर खाली चेंज कर सकते हैं, शायद आप एक्स वाई ध्यान ना करके एक्स वन एक्स टू ले लें, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम विल लुक लाइक द ओरिजिनल प्राइमल प्रॉब्लम। तो ड्यूअल ऑफ ड्यूअल इज ऑलवेज द प्राइमल, मतलब तीसरा कोई चेन नहीं है, चेन में दो ही है, प्राइमल है और उसका ड्यूअल है, और ड्यूअल का ड्यूअल करोगे तो फिर प्राइमल में चले आओगे। ड्यूअल ऑफ अ ड्यूअल प्रॉब्लम इज द ओरिजिनल प्राइमल। तीसरा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स इन ड्यूअल। बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी देयर इन द ड्यूअल। जैसे यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, आप रिलेट करना हर एक लाइन को हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल से। दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्स्टेंट बनाना क्यों बना? क्योंकि दो प्रोडक्ट आप बना सकते थे, और ओरिजिनल प्रॉब्लम में दो प्रोडक्ट था तो दो वेरिएबल था, तो जितने वहां पे प्रोडक्ट होंगे उतने वेरिएबल प्राइमल में आएंगे और उतने ही कॉन्स्टेंट फिर ड्यूअल में आ जाएंगे। ड्यूअल में वो कॉन्स्टेंट बन के क्यों आ रहा है? क्योंकि उतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको शो करना है। एंड वाइस वर्सा, नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इन प्राइमल, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट इन प्राइमल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ड्यूअल। क्योंकि लॉजिक से सोचना, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट इन प्राइमल मतलब इतने सारे लिमिटेड रिसोर्स हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल इन ड्यूअल। क्यों? क्योंकि उस सारे लिमिटेड रिसोर्स का भाड़े पे लगाओगे तो सबका शेडो प्राइस जानना है आपको, तो नंबर ऑफ वेरिएबल उतने आना ही आना है। फोर्थ, इफ प्राइमल ऑब्जेक्टिव इज
एरर्स मैक्सिमाइजेशन। देन डुअल ऑब्जेक्टिव विल बी, डुअल ऑब्जेक्टिव विल बी मिनिमाइजेशन एंड वाइस वर्सा, करेक्ट एंड वाइस वर्सा। भाई साहब खाली लिखना नहीं, आप लोग को दिमाग में बैठाना है ये, क्योंकि खाली लिखने के लिए आए हो तो फिर नहीं आया हुआ बात बराबर है। और ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये आपको कोई इंस्टीट्यूट मेट में नहीं मिलेगा, कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये बहुत रिसर्च से कंपाइल किया हुआ नोट्स है, जिससे आपका हर प्राइमल डुअल का सम हो जाए। नॉर्मली बच्चा लोग इसको छोड़ के जाएगा, आप किसी और स्टूडेंट से पूछे प्राइमल डुअल आता है तेरे को, बोले क्या होता है, आप सिखा दीजिए, उसके बाद भी छोड़ देगा, क्योंकि उनके पास ये सब नोट्स नहीं है। ये नोट्स को कनेक्ट करके दिमाग में बैठा लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। पांचवा नंबर, पांचवा नंबर एक मैजिकल टेबल है, कि आप समझ लीजिए मैजिकल फ्लो है, जिससे आपका कोई भी सम बन जाएगा। जैसे आप एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे लिखते हैं, आपको ध्यान हो, आप यहाँ पे लिखते हो ऑब्जेक्टिव, याद है ये ऑब्जेक्टिव का एरिया, फर्स्ट लाइन ऑब्जेक्टिव का, करेक्ट। फिर आप कॉन्स्टेंट्स लिखते हो सब्जेक्ट टू बोलकर, तो कॉन्स्टेंट्स के यहाँ पे साइन होते हैं, राइट। और फिर यहाँ पर वेरिएबल्स लिखते हो, एक्स कमा वाई वेरिएबल्स लिखते हो, और उसका भी साइन होता है, उसका भी साइन होता है यहाँ पे वेरिएबल्स का साइन, ये उसका साइन जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल के जनरली लिखा जाता है, नॉन नेगेटिव असम्पशन की बात हो रही है, ये जनरल ढांचा है। ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमाइज मिलता है या मिनिमाइज मिलता है, राइट। मान लीजिए ये प्राइमल का एरिया है और यहां पर मैक्सिमाइज है, ठीक है, ये मैकेनिकल थोड़ा सा कर रहे हैं जिससे आपका काम फटाफट हो जाए। अगर आप ये चीज को नहीं भी सीखेंगे तो दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, काम हो जाएगा, दिमाग बहुत लगेगा। हम चाहते हैं आपका बड़ा बड़ा सम इजीली क्रैक हो जाए, इसलिए ये एक ढांचा जैसा बना के आपको समझाया जा रहा है, ओके। ये अगर मैक्सिमाइज है प्राइमल में, तो आपको समझ में आ रहा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग इसका जब डुअल तैयार होगा तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये मिनिमाइज हो गए, परफेक्ट है, ठीक है। नया चीज क्या है सीखने का, कि जो यहाँ वेरिएबल का साइन है जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप अपना अभी जो एग्जाम्पल किया उससे रेफर करो। मैंने एक प्राइमल अभी आपको ऊपर में बनवाया था, जिसमें क्या लिखाया था, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन डलवाया था। ध्यान रखना, अगर प्राइमल मैक्सिमाइज है, इफ प्राइमल इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, देन द साइन ऑफ इट्स वेरिएबल वुड बी सेम एज द साइन ऑफ डुअल कॉन्स्टेंट, ये सेम आएगा, साइन ऑफ कॉन्स्टेंट जो यहाँ पे होगा वो सेम आएगा। मतलब यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन ऐसा साइन बैठेगा। ऐसा ही हुआ था क्या, रिलेट करिए, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था प्राइमल में, तो डुअल के कॉन्स्टेंट में आपका जो दो साइन था वो ग्रेटर देन ही था, ये सेम रहेगा। और जो यहाँ पे साइन है उसका अपोजिट साइन यहां पे आके बैठेगा, एंड यहां पे फिर क्या चीज का साइन होता है, ये वेरिएबल का साइन होता है। अगर यहां पे साइन क्या था आपको याद है कि प्राइमल में यहां पे लेस देन था, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ग्रेटर देन वेरिएबल का साइन इसका ग्रेटर देन होगा। कॉन्सेप्चुअली आप जानते हैं क्यों हुआ, बट मैकेनिकली भी ये एक ट्रिक ध्यान रखिए। अगर आपको रिवाइज करके जाना है ना कुछ, तो मेरे बस ये नोट्स रिवाइज करेंगे आप और एक सम प्रैक्टिस करेंगे, आपका काम आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा ये प्राइमल में, अगर यहाँ
प्राइमल में ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का है तो ये कंडीशन लागू है। प्राइमल अगर मैक्सिमाइज है तो यहां से स्टार्ट करना, वेरिएबल का जो साइन है वो यहाँ पे साइन ऑफ कॉन्स्टेंट बन के आ जाएगा सेम, और कॉन्स्टेंट का जो साइन है वो अपोजिट होकर वेरिएबल का साइन यहाँ पे बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अपोजिट साइन और यहाँ पे सेम साइन, इसको एज इट इज अब बनाइए, यहाँ पे साइन मत बैठाइए, अभी ऐसी ढांचा की तरह बनाइए जिससे आपको ध्यान रहे। ये हमने होममेड एक टेबल बना रखा है जिससे आपका सारा काम हो जाएगा। इसको लिखाना चाहते तो पैराग्राफ पैराग्राफ करके 4 पॉइंट बन जाता, कोई पॉइंट नहीं था उसका, मैंने ऐसे ड्राइंग से आपको बता दिया। इसको आप बोल सकते हैं केस वन। केस वन में लिख लेंगे आप प्राइमल इज मैक्सिमाइजेशन। प्राइमल अगर मैक्सिमाइजेशन है तब ये केस एप्लीकेबल है। कंडीशन है इस सिचुएशन का कि प्राइमल मैक्सिमाइज ही होना चाहिए। अभी इसमें एक और ट्विस्ट ऐड होगा, एक्सेप्शन ऐड होगा। एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या, जनरली आपका प्राइमल जो भी देखा हुआ अभी तक, जितना भी आप मेरे साथ फॉर्मुलेशन किए उसमें आपने क्या देखा था कि जो वेरिएबल के साइन होते हैं ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही होते हैं, याद है क्या? ध्यान है ना, ऐसा ही करते थे ना, बस वेरिएबल का साइन में नॉन नेगेटिव अजम्पशन ही लेते थे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग प्राइमल बनाते थे प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट का कितना यूनिट बनेगा। इन केस यू आर मेकिंग अ प्राइमल फॉर सच अ प्रॉब्लम वेयर वेरिएबल साइन कैन बी लेस देन आल्सो, जैसे कुछ कंपनियां अपना मान लीजिए प्राइस को लेके ही प्राइमल बना रही है जिसमें कुछ प्रोडक्ट फ्री में बेचेंगे, कुछ प्रोडक्ट पे रेवेन्यू आएगा। फ्री में बेचेंगे मतलब उस पे ऐसा मत सोचिए प्रॉफिट जीरो आएगा, उसमें लॉस जाएगा। तो वो एक सोच रही है कि इस पे हम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। जस्ट हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन सोच रहा हूँ कि कंपनी है जिसका प्राइमल है कि उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, जिसमें वो सोच रही है कि एक को प्रॉफिट पे बेचेंगे, एक को पॉजिटिव में रखेंगे, दूसरे को हम नेगेटिव में ही रखेंगे जिससे कि हम मार्केट कैप्चर कर सके। नेगेटिव में रखकर हमें इसका मार्केट मिलेगा, फिर कस्टमर को मोल्ड करके पॉजिटिव प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट भी बेचेंगे, ऐसा स्ट्रेटेजी कंपनी बना रही है। तो उसके यहां पर उसके वेरिएबल का साइन लेस देन भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ग्रेटर देन हो। ग्रेटर देन का सिचुएशन हम लोग पढ़ रहे थे, बट अ कंपनी कैन हैव अ सिचुएशन वेयर इट्स वेरिएबल साइन इज लेस देन, ऐसा ग्रेटर देन की जगह यहाँ लेस देन भी हो सकता है। और एक सिचुएशन होता है विच इज अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, जहां पर हम एलपी पे ही छोड़ देते हैं कि तू ही डिसाइड कर ले ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, मैं नहीं बोलता, एलपी पे छोड़ देते हैं। उस समय हम बोलते हैं वेरिएबल का साइन इज अनरिस्ट्रिक्टेड, इट कैन बी एनीथिंग, व्हाट एवर यू विश एलपी यू कैन पुट इट देयर, आई जस्ट वॉन्ट दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट। मैं अपना ऑब्जेक्टिव तुमको बता दिया हूं, एलपी पे छोड़ दिया जाता है कि इसको पॉजिटिव बनाओ कि नेगेटिव बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। उस समय हम बोलते हैं वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अब उसका इंपैक्ट क्या होगा, जब यहां पे साइन ग्रेटर देन है तो इधर साइन क्या आएगा, सोचो। ये ग्रेटर देन है तो मैंने क्या लिखा, साइन सेम जाएगा। यहां पे लेस देन है तो साइन क्या जाएगा, सेम जाएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड है तो साइन क्या जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्स्टेंट नहीं होता है, तो उस समय हम बोलते हैं इक्वल टू जाएगा, ये एक्सेप्शन है। अब आप पूछेंगे सर क्यों, क्यों मत जाने, ये थोड़ा मैकेनिकल रहने दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ज्यादा कॉन्सेप्ट में डुबकी लगाएंगे विसर्जन हो जाएगा आपका, वापस नहीं आ पाएंगे। सो जितना जानना है कॉन्सेप्ट आपको उससे ज्यादा ही बताया गया है। अभी ये अनरिस्ट्रिक्टेड जब हो तो
आप इक्वल टू लगा देंगे, बस यही ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से एक जैसा ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे साइन ग्रेटर देन है, देखो तो अपोजिट हो के आएगा, मतलब लेस देन आएगा। यहाँ पे साइन लेस देन है, अपोजिट हो के आएगा, मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा। और यहाँ पे साइन इक्वल टू है तो अनरिस्ट्रिक्टेड आएगा। ध्यान रहे, इक्वल टू और अनरिस्ट्रिक्टेड अपने आप में ही एक रिलेशनशिप है, उसमें वो सेम और अपोजिट का क्राइटेरिया नहीं लगता है। देखो, अनरिस्ट्रिक्टेड है तो इक्वल टू आएगा, इक्वल टू है तो अनरिस्ट्रिक्टेड आएगा, उसमें सेम और अपोजिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इक्वल टू अनरिस्ट्रिक्टेड एक एक्सेप्शन टू द रूल है, उधर सेम और अपोजिट का कोई क्राइटेरिया नहीं लगेगा। इक्वल टू इधर हुआ तो इधर अनरिस्ट्रिक्टेड, और इधर अनरिस्ट्रिक्टेड हुआ तो इक्वल टू, उधर सेम अपोजिट का कोई क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको खाली ये लिखने बोलूंगा यहां पर कि आप ये तीनों नहीं लिखकर बाकी आराम से आप कैच कर लेते हैं, खाली अनरिस्ट्रिक्टेड वाला लिखिए। यहां पे अगर इक्वल टू है तो यहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड आ जाएगा, इसको अलग पेन से लिख लीजिए जिससे आपका ध्यान रहे। और यहां पे अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है तो यहां इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से केस टू एक तो बनाते हैं। केस टू एक बनाते हैं जिसमें प्राइमल इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, प्राइमल इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे मिनिमाइजेशन लिखेंगे, ये प्राइमल का एरिया और ये ड्यूअल है, यहाँ पे मिनिमाइजेशन आएगा तो ऑब्वियसली ड्यूअल में क्या आ जाएगा, मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे जो साइन ऑफ कॉन्स्टेंट्स है वो साइन को यहाँ पे ऐसे बॉक्स किया, और वेरिएबल का जो यहाँ नॉन नेगेटिव अजम्पशन होता है, वेरिएबल का जो यहाँ साइन है उसको मैंने यहाँ पे बॉक्स किया। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से सोचना, ये वाला, ये जब यहाँ पे आएगा अब अपोजिट होके आएगा, पहले सेम आ रहा था अब अपोजिट होके आएगा, यानी साइन ऑफ कॉन्स्टेंट जब बनेगा तो अपोजिट होके बनेगा। और जब ये वाला साइन ऑफ कॉन्स्टेंट प्राइमल का साइन ऑफ वेरिएबल बन के आएगा तो ये सेम आएगा, लेकिन अगर यहाँ इक्वल टू है तो वही अनरिस्ट्रिक्टेड बन के आएगा, और अगर यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड है तो वहां इक्वल टू बन के जाएगा। इक्वल टू अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वल टू एज इट इज है, उसमें सेम अपोजिट का फंडा नहीं लगता है। इक्वल टू देखोगे तो अनरिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अनरिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो इक्वल टू कर देंगे, इधर सेम अपोजिट का फंडा नहीं है बट बाकी चीजों में है। एक खाली ट्विस्ट आप याद रखेंगे, इसको नया पॉइंट बोल के लिखेंगे, 6 नंबर, 6 नंबर पॉइंट बोल के याद रखेंगे। ये क्वेश्चन में हिडन ट्विस्ट होता है, कुछ बोलता नहीं है, आपको ये खोज के सुधार लेना है। देयर कैन बी एरर बिकॉज ऑफ दिस, सो यू विल हैव टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस एरर। हिडन ट्विस्ट जब होगा वो कैसा होगा, जब भी आपको दिया जाए मैक्सिमाइजेशन प्राइमल, अगर ये दिया हुआ हो, मैक्सिमाइजेशन प्राइमल इज गिवन, तो आपको इंश्योर करना है
इंश्योर ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू टाइप, बस। मतलब कौन सा साइन नहीं चलेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चलेगा सर। अगर हुआ तो साइन चेंज करना आता है ना आपको दोनों तरफ, ग्रेटर देन को लेस देन बनाना आता है ना दोनों तरफ साइन चेंज करके, वो कर देना। सो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ, इफ लेस ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स आर गिवन, चेंज इट्स साइन टू लेस देन इक्वल टू, चेंज इट्स साइन टू लेस देन इक्वल टू। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करे, क्योंकि आपको ये मैजिकल टेबल यूज करना है। अगर ये यूज करना चाहते हो तो मेरा ये बात मानना पड़ेगा, वरना मेरा टेबल फ्लॉप हो जाएगा। मेरा टेबल का एक ही कंडीशन है कि आपको ये इंश्योर करना है, तब आपका प्राइमल से ड्यूअल कन्वर्जन सही रहेगा। सिमिलरली मिनिमाइजेशन प्राइमल दिया होगा तो, मिनिमाइजेशन प्राइमल दिया हो तो क्या इंश्योर करेंगे? लिख लीजिए पूरा फटाफट, इंश्योर ऑल कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू टाइप, दैट इज इफ लेस देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स आर गिवन, चेंज इट्स साइन टू ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। एक एग्जांपल है, ऊपर में जो ड्यूअल आया था थोड़ा बोलिएगा तो, ये एग्जांपल वन क्या था? मिनिमाइज, जी की जगह मैं जेड ही लिख रहा हूँ, फिर 100y1 प्लस 200y2 सब्जेक्ट टू 2y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 5y1 प्लस 4y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड y1, y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो ये प्राइमल है, अज्यूम दिस इज प्राइमल, जो गिवन है वही प्राइमल है, सिंपल, जो गिवन है वही प्राइमल है। तो इसका ड्यूअल बताना है आपको, फाइंड इट्स ड्यूअल। हम लोग मैकेनिकली सीखना चाह रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट से नहीं जाना चाह रहे हैं। आपको पता है कि ये कैसा आएगा? आपको आंसर तो पता ही है, बट मैकेनिकली सीखना चाह रहे हैं कैसे तोड़ते हैं। देखिए, अगर प्राइमल मिनिमाइजेशन है तो ड्यूअल में ऑब्जेक्टिव क्या लिखोगे? मैक्सिमाइजेशन। जनरली हम लोग जेड के जगह दूसरा वेरिएबल डाल देते हैं, जी या ए बी कुछ भी, जिससे कि इंडिकेट हो कि ये ड्यूअल है। मैक्सिमाइजेशन जी इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। और आपको ये तो मैंने ऊपर मैजिकल टेबल में नहीं बताया, बट ये आपको खुद से पकड़ना है कि ये वाला जो कोएफिशिएंट है 20 30, यही तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपको याद है क्या? इसको आप यहाँ पे ले आएंगे, मान लीजिए इसका वेरिएबल है x1, इसका वेरिएबल x2। ये एक आइडिया रहता है कि जब भी आप प्राइमल से ड्यूअल में जा रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल को नोट करें, x1 और x2। इससे आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, 20x1 प्लस 30x2। मिनिमाइज मैक्सिमाइजेशन जी इज इक्वल टू 20x1 प्लस 30x2, ठीक है। मतलब आप ऐसे सोचिए ना, आप भूल जाइए आपको इसका प्राइमल मालूम था, आप सोचिए इसको भाड़ा लगा रहे हैं, 20x1 और 30x2 मिलेगा, ऐसा सोचिए। एक ही कॉन्सेप्ट से हर एक को क्रैक करने का चेष्टा करिए, ठीक है। 20x1 और 30x2 ये आपके रिसोर्स हैं, इसको आप भाड़ा लगा दीजिए। ओके, सब्जेक्ट टू वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकवर करने का तरीका क्या? ये देखिए, ये वाला फ्लो आप लोग मैट्रिक्स में ट्रांसपोज पढ़े हैं क्या?
ट्रांसपोज वही कर रहा हूँ मैं। ये हाँ जो कॉलम था, ये कॉलम को अभी रो में लिख देंगे, ठीक है। ये कॉलम था उसको रो में लिख देना है। क्या लिखना होगा? टू, देखिए, 2x1 पहला वाला रिसोर्स के लिए वेरिएबल है x1, दूसरा वाला रिसोर्स के लिए वेरिएबल है x2, तो 2x1 + 5x2, और यहाँ पे आएगा 100, साइन को रुक जाते हैं, साइन रुक जाते हैं, यहाँ पे आएगा 100 RHS में। वैसे यहाँ पे क्या आएगा? 3x1 + 4x2 RHS में क्या आएगा? 200, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा? x1, x2, साइन बाकी। अब मेरा मैजिकल टेबल को आप जाके चेक करो, अगर प्राइमल मिनिमाइजेशन है, ये वाला सेकंड केस वाला, अगर प्राइमल मिनिमाइजेशन है, तो आपको पहला चीज इंश्योर करना है कि सारे कॉन्स्टेंट्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप होने चाहिए थे, ऑलरेडी है, इसलिए साइन चेंज का कोई बातचीत नहीं आया, ट्विस्ट वाला कोई केस नहीं था, यहाँ हिडन ट्विस्ट नहीं था, ठीक है। फिर आप देखो, अगर प्राइमल मिनिमाइजेशन है, अगर प्राइमल मिनिमाइजेशन है, तो यहाँ पे जो साइन ऑफ वेरिएबल है, साइन ऑफ वेरिएबल अपोजिट होके साइन ऑफ कॉन्स्टेंट में आ जाएंगे, साइन ऑफ वेरिएबल अपोजिट होके साइन ऑफ कॉन्स्टेंट में आ जाएंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड कोई हुआ तो उसके जगह इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अभी आपका साइन ऑफ वेरिएबल क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका अपोजिट क्या होगा? लेस देन इक्वल टू, और वही साइन ऑफ कॉन्स्टेंट बन के आ जाएगा। फिर ये अगर ऑपोजिट हुआ, तो जो साइन ऑफ कॉन्स्टेंट है वो सेम बन के साइन ऑफ वेरिएबल में आ जाएगा। यानी साइन ऑफ वेरिएबल में दोनों में अगर आप अलग अलग लिखना चाहें, तो x1 > 0, x2 > 0 हो जाएगा। जो यहाँ पे साइन है वो सेम वेरिएबल का साइन बन जाएगा। यू नीड टू फॉलो दिस चार्ट, और खाली खेल साइन का, ये यहाँ पे जो साइन है वो सेम आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो साइन था वो अपोजिट होकर चला गया। तो प्राइमल इज द गिवन क्वेश्चन एंड डुअल आप बना रहे हैं, आप यहाँ पे साइन चेंज करके ला रहे हैं। ओके भाई, आप एक प्रैक्टिस करिए, देखिए आपसे होता है कि नहीं। और मैं चाहता हूँ आप ये टेबल से ही प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप परफेक्शन अचीव करें। एग्जाम्पल 2, लेकिन मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, फटाफट, 9y1 + 5y2, subject 2 2y1 + 3y2 is less than equal to 16, फिर 5y1 + 2y2 greater than equal to 20, y1, y2 is greater than equal to 0। इसका डुअल बताइए। ट्राई करिए, देखिए क्या होता है। हिडन ट्विस्ट है क्या यहाँ पे? हिडन ट्विस्ट को हमेशा देख लेना पहले। मैक्सिमाइजेशन प्राइमल होने से सारे कॉन्स्टेंट का साइन लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू होना चाहिए। इसमें एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये वाला, ये हिडन ट्विस्ट, इसको बदल दो, रीराइटिंग द प्राइमल।
मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 9y1 प्लस 5y2 सब्जेक्ट टू 2y1 प्लस 3y2 इज लेस देन इक्वल टू 16। साइन चेंज कैसे करते हैं याद है क्या? -5y1 -2y2 लेस देन इक्वल टू -20। फिर y1 कॉमा y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डबल बताइए। लिख लिया, डुअल लिख लिया। देखो सबसे पहले तो क्या है, मैक्स को मिन कर देंगे, मिनिमाइज जेड को आप जी कर दो, और यहां पे एक वेरिएबल डाल दो x1 x2। ये बहुत इजी तरीका है, तो अब आपको ऑब्जेक्टिव लिखने में दिक्कत नहीं होगा। इट वुड बी 16x1 माइनस साइन है तो -20x2, ठीक है? माइनस साइन है तो माइनस कोएफिशिएंट आ जाएगा, सब्जेक्ट टू। अब कैसे वही ट्रांसपोज करना है आपको, ये रो रो में से आप कॉलम आइडेंटिफाई करके उसको रो बनाएंगे, यानी 2x1 -5x2 और RHS में 9 होना है, फिर 3x1 -2x2 RHS में 5 होना है। साइन का लोचा है, मैक्स प्राइमल है, प्राइमल इज मैक्स, तो जो साइन ऑफ वेरिएबल है वही साइन ऑफ कॉन्स्टेंट होगा। मैक्स प्राइमल में जो साइन ऑफ वेरिएबल है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, वही साइन ऑफ कॉन्स्टेंट होगा सेम। और जो साइन ऑफ कॉन्स्टेंट है, जो साइन ऑफ कॉन्स्टेंट है लेस देन, उसका अपोजिट साइन ऑफ वेरिएबल होगा। करेक्ट बना पाए आप? सही बन गया एकदम। चलिए वेरी नाइस। हाँ नहीं जरूरी नहीं, अभी आप सब सिचुएशन देखेंगे यहाँ पे, प्राइमल डुअल के केस में जरूरी नहीं है। देखिए जब ओरिजिनल प्रॉब्लम हम जानते हैं तब हम सोच पाते हैं कि x1 x2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि लेस देन 0 होना चाहिए। ओरिजिनल प्रॉब्लम हमें नहीं पता, ये तो एक खाली गेम चल रहा है, प्राइमल दिया हुआ है तो डुअल में कन्वर्ट करो, ठीक है? एक और प्रॉब्लम दिया जाए। ये खतरनाक प्रॉब्लम है, खतरनाक। एग्जाम्पल 3 ये पूरा डिस्कशन को कवर कर लेगा। प्राइमल दिया हुआ है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 -2x3 सब्जेक्ट टू 4x1 -12x2 फटाफट लिखिए फटाफट लिखिए, प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 12, फिर -2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 6, -5x1 प्लस x2 -6x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -40,
3x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 10। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 लेस देन इक्वल टू 0 और x3 अनरिस्ट्रिक्टेड। सब आ गया, कुछ बचा नहीं। कैसे आगे बढ़ेंगे आप? सबसे पहले क्या करना है? चेक। हाँ, चेक 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 क्या है कि मैक्सिमाइज प्रॉब्लम में सारे कॉन्स्टेंट का साइन होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, तभी मेरा मैकेनिकल अप्रोच लागू होगा, वरना मैकेनिकल अप्रोच करेक्ट साबित नहीं हो पाएगा। तो रीराइट करना है क्या यहाँ पे? इसके कारण रीराइट करना है। ठीक है, तो आप रीराइट करिए पहले, रीराइटिंग द प्राइमल। करिए करिए करिए। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 सब्जेक्ट टू 4x1 प्लस माइनस 12x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x1 प्लस 3x3 2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 6। रीराइट करके क्या हो रहा है ये? 5x1 माइनस x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू 40 3x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 10। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसको रीराइट मत कर देना। x2 x1 का साइन को रीराइट नहीं किया जाता है, खाली कॉन्स्टेंट को रीराइट किया जाता है। चलिए अब बनाइए, देखिए क्या बनता है। देखिए, हाँ वो लेस देन, सॉरी, बनाइए देखिए क्या बनता है। पहले क्या करना है? रुको, ट्रिक 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 ट्रिक, पहले वेरिएबल कैसे यहाँ पे लिख दीजिए। सब बेसिक्स को छेड़ेंगे तो कभी नहीं बनेगा, बेसिक्स को टच नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? से y1 y2 y3 y4। आप देखो, मेरा ये ट्रिक को आप फॉलो करते हो तो आपको कोई नोट्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट क्या होगा, एग्जाम के पहले तक आप शायद ही भूल जाए, तो नोट्स का काम आता है कि कैसे किया था सर ने। जितने कॉन्स्टेंट है उतने वेरिएबल बन गए। देख रहे हैं कितने कॉन्स्टेंट हैं? चार, तो चार वेरिएबल आ गए, क्योंकि चार का शेडो प्राइस रिप्रेजेंट करना है। करो करो करो। फिर आपका एक टास्क है, जो डुअल आपका बनेगा उससे प्राइमल बना के दिखाएंगे। जो डुअल बनेगा उससे आपको प्राइमल बनाना है, जो ऐसा ही आ जाना चाहिए। अगर आप आ रहा है मतलब आपने अपना डुअल सही किया है। समझ गए? पहले इसका डुअल बनाइए, फिर उस डुअल का वापस प्राइमल बनाइए, जो फिर एग्जैक्टली ऐसा ही दिखना चाहिए। वेरिएबल अगर आप नाम चेंज कर देते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखिए मैं डुअल लिख रहा हूँ, मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज जी इज इक्वल टू 12y1 प्लस 6y2 प्लस 40y3 प्लस 10y4, राइट? सब्जेक्ट टू 4y1 माइनस 2y2 प्लस 5y3 प्लस 3y4, और यहाँ पे 3 है, फिर माइनस 12y1 प्लस 3y2 माइनस 1y3 प्लस 4y4, यहाँ पर 4 है, 3y1 प्लस 1y2 प्लस 6y3 माइनस 2y4, यहाँ पर -2 है। फिर y1 का साइन डिसाइड करना है, y2 का साइन डिसाइड करना है, y3 का साइन डिसाइड करना है। प्राइमल जब मैक्सिमाइज हो तो जो साइन ऑफ वेरिएबल है, यहां से स्टार्ट करते हैं हमेशा, साइन ऑफ वेरिएबल से, साइन ऑफ कॉन्स्टेंट से सोचते हैं ना तो गड़बड़ हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट इज साइन ऑफ वेरिएबल। प्राइमल अगर मैक्सिमाइज हो तो जो साइन ऑफ वेरिएबल है वो ही साइन ऑफ कॉन्स्टेंट बन जाएगा। साइन ऑफ वेरिएबल वुड बी सेम एज साइन ऑफ कॉन्स्टेंट। तो ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन है तो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू, और अनरिस्ट्रिक्टेड होने से इक्वल टू, अनरिस्ट्रिक्टेड होने से इक्वल टू, ये एक्सेप्शन था, राइट? और जो साइन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसका अपोजिट होकर साइन ऑफ वेरिएबल बनेगा। तो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर लेस देन इक्वल टू है तो फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर y3 में भी लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y4 में इक्वल टू है तो आप बोलेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड। करेक्ट, सही बना एकदम। चलिए इसका इसका भी बनाइए प्राइमल, इसका डुअल बनाइए वापस। मान लीजिए ये प्राइमल है, इसका डुअल बनाइए, देखिए वो प्राइमल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए अगेन इंश्योर करना होगा मिनिमाइज। मान लीजिए अब ये प्राइमल है, दिस इज प्राइमल एंड यू आर गोइंग टू टेक इट्स डुअल, तो इंश्योर क्या करना होगा, मिनिमाइजेशन है तो सारे कॉन्स्टेंट के साइन कैसे होने चाहिए, हाँ ग्रेटर देन, तो इसको चेंज करना होगा, रीराइट करो, डुअल ऑफ डुअल ऐसे लिख लेना। दैट इज अज्यूमिंग द अबव डुअल एज अ प्राइमल, वी नीड टू इंश्योर दैट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव द कॉन्स्टेंट साइन शुड बी ऑफ स्पेसिफिक टाइप। मिनिमाइज में सारे कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप होने चाहिए, रीराइट करना होगा, रीराइटिंग द अबव टू इंश्योर ऑल कॉन्स्टेंट्स आर लेस देन इक्वल टू, आर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू भी चलता है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू टाइप। चलिए करिए, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। मिनिमाइज
जी इज इक्वल टू 12 बाई 1 प्लस 6 बाई 2 प्लस 40 बाई 3 प्लस 10 बाई 4 सब्जेक्ट 2 4 बाई 1 माइनस 2 बाई 2 प्लस 5 बाई 3 प्लस 3 बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फिर इसका साइन चेंज होगा तो 12 बाई 1 माइनस 3 बाई 2 फिर प्लस y3 माइनस 4 बाई 4 प्लस y3 माइनस 4 y4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4, राइट? थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस 6 y3 माइनस 2 y4 इज इक्वल टू माइनस 2। y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं ठीक है हाँ, y3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y4 है अनरिस्ट्रिक्टेड। अब इसका आपको डुअल लिखना है तो उसके लिए आप यहां से x1 x2 x3 डाल दीजिए। क्या लिखोगे बोलिए? मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3 सब्जेक्ट 2। इधर से ट्रांसपोज करेंगे 4x1 प्लस 12x2 प्लस 3x3 और RHS में 12, ठीक है ना? फिर माइनस 2x1 प्लस सॉरी फिर माइनस 3x2 प्लस x3 6 फिर 5x1 प्लस x2 प्लस 6x3 40 फिर 3x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3 10 और x1 का साइन x2 का साइन x3 का साइन। अब देखो प्राइमल अगर मिनिमाइजेशन है, ये अभी प्राइमल है, अगर प्राइमल मिनिमाइजेशन है तो जो साइन ऑफ वेरिएबल है उसका अपोजिट साइन ऑफ कॉन्स्टेंट है, यानी यहाँ पे लेस देन यहाँ पे लेस देन यहाँ पे लेस देन अनरिस्ट्रिक्टेड होने से इक्वल टू, ठीक है? अपोजिट किया, ग्रेटर देन को लेस देन बनाया और अनरिस्ट्रिक्टेड होने से इक्वल टू, और ये अपोजिट है तो जो साइन ऑफ कॉन्स्टेंट है वही साइन ऑफ वेरिएबल है, ये सेम हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू है तो अनरिस्ट्रिक्टेड है। अब इस खेल में एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़ा बहुत मिसमैच हो गया ओरिजिनल प्रॉब्लम जहां से शुरू किए थे, प्लस माइनस का साइन थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, इट इज जस्ट बिकॉज वी हैड चेंज साइन इन बिटवीन। अगर कोई भी साइन चेंज का फंडा नहीं होता ना बीच बीच में तो एग्जैक्टली सेम आता। ओके, साइन चेंज कर करके हम लोगों का थोड़ा सा साइन वाइन के हिसाब से डिविएट कर गया, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे प्लस 4x2 था अभी माइनस आ गया है, ये ठीक है, ये एकदम मैच हो रहा है, ये एकदम मैच हो रहा है ना? नहीं, इसमें एक साइन चेंज है, वो जहां जहां साइन चेंज का इम्पैक्ट आया ना वहां वहां ये पूरा में साइन चेंज का इम्पैक्ट होगा आई थिंक, है ना? ये पूरा में साइन चेंज का इम्पैक्ट होगा, ये पूरा था इसमें, क्योंकि इसमें साइन चेंज हुआ था, ठीक है? तो
साइन चेंज होने से खाली ये ध्यान रखना है कि इम्पैक्ट दिखेगा तो पूरा विजिबल रहेगा कि हर एक जगह इक्वल इम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि खाली एक जगह इम्पैक्ट आया या एक -3 का +3 दिख रहा है बाकी सब सेम दिख रहा है, ऐसा नहीं, फिर पूरा एक कॉलम में आपको इम्पैक्ट दिखेगा। चलिए, वेरी नाइस।